कल का दिन सच में बहुत ही अजीब था। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये डे बहुत ही स्पेशल था, तो वहीं काफ़ी सारे लोगों के लिए ये दिन बहुत ही सैड भरा था। सिचुएशन ही कुछ ऐसे क्रिएट हो गई थी कि क्या ही कहें। एक तरफ जहां BTS आर्मी BTS की 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही थी, वहीं K-ड्रामा फैंस अपने फेवरेट एक्ट्रेस को अपने से दूर जाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हुए। बट कोई नहीं, हम उस पल को जाने देते हैं और आज में जीने की कोशिश करते हैं। वैसे क्या आप जानते हो कि जिनको BTS आर्मी BTS की 10th एनिवर्सरी पे इतना ज्यादा मिस कर रही थी कि उन्होंने BTS की 10th एनिवर्सरी पे जीन को एक इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया कि उसके बारे में हम आपको क्या ही कहें। आप खुद ही देख लेना वीडियो में आगे। वैसे सच में जीन का गिफ्ट बहुत ही प्यारा था। वैसे हम एक बार फिर से BTS के कुछ मिक्स अपडेट को देखने वाले हैं एंड साथ ही हम जोंगकुक के भी लेटर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वैसे अगर आपने RM, J-Hope, Jimin एंड जीन के लेटर को नहीं देखा कि उन्होंने आर्मीज के लिए उस लेटर में क्या लिखा था, तो कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक साउथ कोरिया में कुछ भी नहीं बदला है। जैसा वो पर्पल पहले दिख रहा था, वैसे ही आगे कुछ समय तक हमें ये पर्पल ही दिखने वाला है। आपको बता दी कि ये BTS की 10th एनिवर्सरी से पहले ये ऐसे डेकोरेट कर दिया गया था और ये काफी समय तक ऐसे ही रहने वाला है, जिसका आनंद तो सिर्फ साउथ कोरिया के BTS आर्मी या फिर जो साउथ कोरिया में रह रहे होंगे वही ले सकते हैं, बट हम नहीं ले सकते। तो चलो अब जोंगकुक के लेटर को देखते हैं। वैसे जोंगकुक ने 14 जून को अपना लेटर फैंस के सामने लाए। जोंगकुक ने अपने लेटर में लिखे कि सारे ही लोग लेटर लिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ लिख दूं। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूं, तो मैं अपने आप पे ही लेटर लिखता हूं। इन 10 सालों में क्या क्या हुआ ये सारी चीजें तो मुझे याद नहीं है, बट ऐसा लगता है कि ये 10 साल यानी कि इतना लंबा समय पलक झपकते ही बीत गया। ऑफ कोर्स ये सच है कि इतने लंबे सालों में बहुत सारी खुशियां थी और बहुत से दुख और आंसू भी थे। अगर आप एक एक करके उन सारी चीजों को देखते हो तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद जोंगकुक लिखते हैं कि मैं हमेशा फ्यूचर को देखता हूं, इसलिए शायद मुझे पास्ट को भूलने की आदत सी हो गई है, बट सारी चीजें जीवन जोंगकुक के दिल में है। वैसे बाकी BTS मेंबर को सारी चीजें एक एक करके याद है, बट मैं बहुत सी चीजें भूल गया हूँ। वैसे आप सभी को मेरी तरफ से थैंक्स, आप सब इतने लंबे समय तक हमारे साथ थे, हमें इतने टाइम तक सपोर्ट करा, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक्स। हम बैंडन और BTS आर्मीज एक हेल्दी हेल्थ के साथ प्यार करेंगे और एक दूसरे के साथ हमेशा चलेंगे। मैं जब इस लेटर को लिख रहा था तब मुझे महसूस हुआ कि मैं आर्मीज के बिना जीवन में जी नहीं सकता हूँ। जोंगकुक आप अकेले ऐसा नहीं सोचते हैं, लाखों करोड़ BTS आर्मीज भी ऐसा ही सोचते हैं कि वो BTS के मेंबर के बिना अपनी लाइफ जी नहीं सकती हैं। अगर आर्मीज ऐसा है एंड आप भी ऐसा सोचते हो तो कमेंट में जाओ एंड अपनी फीलिंग जरूर लिखो। वैसे अब हम जीन के गिफ्ट को देख लेते हैं। वैसे आप जीन से लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो, तब तक तो इस वीडियो में अब तक जुड़े हुए हो। इस टाइम जीन मिलिट्री में है, तो इसलिए वो बाकी BTS मेंबर्स के साथ BTS की 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, ये तो BTS आर्मी जानती ही है। तो कुछ BTS आर्मीज ने जीन के लिए डोनेशन इकट्ठा की थी, जिसके बाद उन्होंने उस पैसे से जीन को एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसकी वजह से जीन हिस्ट्री क्रिएट कर दिए। एक्चुअली में कुछ BTS आर्मीज ने जीन के लिए कुछ पैसे इकट्ठा की थी और उन पैसों से उन्होंने कुक बैन गिलो डिफेंस डेली न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे जीन का फोटो लगवाई। एक्चुअली में ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये जो न्यूज़पेपर है ये साउथ कोरिया में काफी ज्यादा फेमस है एंड यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज एंड मिलिट्री से रिलेटेड ही न्यूज दिखाए जाते हैं, और इस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे जीन के फोटोज का लगवाया गया था, वो भी 13 जून को, जिसकी वजह से अब हमारे जीन वो फर्स्ट ऐसे सेलिब्रिटी बन चुके हैं जो इस न्यूज के फ्रंट पेज पे आ चुके हैं। वैसे उन BTS आर्मीज ने सिर्फ न्यूज़पेपर पे ही जीन के फोटोज को नहीं लगवाए थे, बड़े बड़े बिल बोर्ड, एडवर्टाइजमेंट एंड और भी काफी सारी चीजें थी जहाँ पे जीन के उन्होंने फोटोज को लगवाया था। तो यही वो स्पेशल सा गिफ्ट था जिसे BTS आर्मीज ने जीन को दिया, और इस गिफ्ट को पाकर जीन ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। सच में BTS आर्मीज का ये गिफ्ट तो बहुत ही ज्यादा यूनिक था। BTS के मेंबर जीन को मिलते मिलते उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर डाला। वैसे आपको किस टाइप के गिफ्ट पसंद आते हैं मुझे कॉमेंट में जरूर बताना एंड जाने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहे। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।